मतलब 1.5 लाख से भी कम बता रहा हूँ आपको, 1,35,000 रुपये की बिल्कुल बेस्ट प्राइस, यस नो प्राइस 2 लाख रुपये का। 2 लाख की मिलेगी ये? नीट एंड क्लीन कार है, मतलब बहुत बेस्ट कार। मैं भी गाड़ियाँ बहुत खरीदता हूँ बेचता हूँ, पर ये गाड़ी कुछ हटके है। इतनी तारीफ है तो इसका मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार है जी। और इस रिट्स का प्राइस है, यस नो प्राइस 2 लाख रुपये का, 1,35,000 की गाड़ी आपको मिल जाएगी। सबसे बेस्ट पार्ट है CNG ऑन पेपर्स है। अरे भैया ये हुई ना बात, अब आया मजा इस गाड़ी को देख के। हाँ लेकिन देखो, मीटर की गारंटी, क्वालिटी गारंटी हर कोई नहीं दे सकता, यहाँ पे मिलती है क्वालिटी भी गारंटी। भाई एक प्राइस बोलूँ आपको, उसमें दे दोगे आप? बोलिए, आप तो कभी बना की है? 5 लाख में दे दोगे? बिल्कुल पंजे में आपको गाड़ी मिल जाएगी। के एक ब्रांड न्यू वीडियो में और हमारे साथ हैं हमारे ऑनेस्ट पाजी जसमीत सिंह फ्रॉम टर्बो टॉयज, टैगोर गार्डन, रजौरी गार्डन, दोनों ही एक ही है मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल पाजी, एक ही रोड है। कैसे हो? बहुत बहुत वेलकम आपका इरफान पाजी। सबको एक बार हेलो जरूर कर दो। आप सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब। अब आज की ये जो हम गाड़ियाँ आपको दिखाने वाले हैं ये बहुत स्पेशल रहेंगी, क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं कि जो सेगमेंट आप सबसे ज़्यादा डिमांड करते हो माई कंट्री मैरिट पे, वही गाड़ियाँ आज हम आपके लिए लेके आए हैं। पाजी के साथ मिलके हम एक बहुत अच्छा एपिसोड आपके लिए लेके आने वाला है, एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आने वाला है, जो कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा जो भी आप एक दो दिन के गैप में ही देखोगे, जिसमें पाजी हम अपनी ऑडियंस को अवेयर करना चाहते हैं कि वो एक आम इंसान किस तरीके से चेक कर सकता है एक बेस। वैसे आपने डिजिटली तो बहुत सारी चीज़ें बताई रखी हैं एज ए एडवाइज़र, लेकिन अब थोड़ा फिजिकली हम बताएंगे कि ये गाड़ी में आखिर क्या क्या चीज़ चेक कर सकता है इंसान। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम जो बेस्ट हम आपके सब्सक्राइबर्स को अपनी नॉलेज दे सकते हैं या बांट सकते हैं तो जरूर कोशिश करूंगा और उनको बहुत हेल्प मिलेगी। अब ये खड़ी हुई है जी, ये हुंडई 2009 मॉडल है, i10 सिंगल ओनर है और 56,000 ओरिजिनल चली हुई है। साथ के ही 2 टायर हैं इसके, मतलब बिल्कुल जेन्युइन पेट्रोल की है, नॉन एक्सीडेंटल कार है, कोई गाड़ी में पेंट नहीं है, ऑल ओरिजिनल पेंट है गाड़ी का। ठीक है, और इसका गोल्डन कलर है, सिल्वर, गोल्डन सिल्वर। दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, पेट्रोल है, टर्बो टॉयज में। इसका प्राइस है 1.5 लाख रुपये का। 1.5 लाख रुपये? हाँ जी। और आएंगे तो नेगोशिएबल हमारा ऑन टेबल, जो बेस्ट रिगार्ड होगा आपके लिए हम जरूर करेंगे। मतलब बोलने से पहले ही बोल दिया है कि रिगार्ड करना ज़रूरी है। ये 2010 सिंगल ओनर हुंडई i10 पेट्रोल सिल्वर कलर, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन और टर्बो टॉयज में। इस i10 का प्राइस है 1,85,000 का। ये 2010 मॉडल है और सिंगल ओनरशिप है, पेट्रोल है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है और टर्बो टॉयज में। इसका i20 का जो प्राइस है 2.25 लाख रुपए का। एल्टो है, सेकंड ओनरशिप है, सिल्वर कलर है, एलेक्साई और दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, पेट्रोल है, टर्बो टॉयज में। इसकी जो कीमत है, मतलब 1.5 लाख से भी कम बता रहा हूँ आपको, 1,35,000 रुपए की। ठीक है जी, एक सरप्राइज था आपके लिए। 1,35 की भी बात आ गई, वो तो 1.5 लाख कह रहे थे लेकिन अब 1,35 की भी आपको दे देंगे, 4 पहियों वाली कार। ये 2021 मॉडल रेनॉल्ट क्विड सिंगल ओनरशिप है, ये नियोटेक मॉडल है, सबसे लेटेस्ट वाला क्विड की जो न्यू शेप है यही वाली है और सिल्वर कलर में है। तकरीबन 5,000 के आसपास चली हुई है। दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, ऑल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है, टायर्स, स्टेपनी, हर चीज़ इसमें, फ्रंट पावर विंडोज और ट्रस्ट स्क्रीन कंपनी से, सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, रिमोट सेंटर लॉकिंग भी कंपनी ने दी है, मतलब सारे फुली लोडेड फीचर्स हैं जो एक कार में होने चाहिए। और 2021 मॉडल है, जिसका लाइक बजट कम है और ऊंचा मॉडल चाहिए है, तो इससे अच्छी ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगी ऑल ओवर इंडिया में। ये गाड़ी 3,95,000 की आपको मिल जाएगी। ये न्यू शेप में है, सारा कुछ इसमें, बॉडी लाइन पूरी चेंज है। 2011 सिंगल ओनर स्पोर्ट्स वेरिएंट है। इसमें गाड़ी का ड्रिवन है 46,000 जेन्युइन ड्रिवन है, रेड कलर है, पेट्रोल है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है। टर्बो टॉयज में इस गाड़ी का प्राइस है, यस नो प्राइस, 1,95,000 रुपये का। 195 है। ठीक है, ये होंडा सिटी 2009 मॉडल सिंगल ओनरशिप गोल्डन कलर ऑटोमेटिक वेरिएंट और दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है।
पेट्रोल है, टर्बो टॉयल्स में आपको ये गाड़ी जो है होंडा सिटी 2.5 लाख रुपए की आपको मिल जाएगी। यस नो प्राइस। ये 2013 डस्टर दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, ब्लैक कलर में है और 85 BHP है। इसका भी 80% पेंट ओरिजिनल है और बहुत जेन्युइन कार है ये। टर्बो टॉयज में सबसे बेस्ट ऑफर आपको दे रहे हैं यस नो प्राइस का, 3,35,000 की गाड़ी आपको यस नो प्राइस में ये डस्टर मिल जाएगी। ये 2010 ZXi सिल्वर कलर पेट्रोल, ZXi टॉप मॉडल होता है मारुति के अंदर, SX4 का अलॉयज वगैरह सब कंप्लीट फिटेड होते हैं और ऑलमोस्ट जेन्युइन इसका पेंट है। टर्बो टॉयज में इस जो मैनुअल का जो प्राइस है बिल्कुल बेस्ट प्राइस, यस नो प्राइस 2 लाख रुपए का, 2 लाख की मिलेगी ये। ये जो है SX4 2010 ऑटोमेटिक 56,000 ओरिजिनल चली हुई है विद ऑल सर्विस रिकॉर्ड्स, सिंगल ओनरशिप। ये भी ZXi है, पेट्रोल है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, ऑटोमेटिक वेरिएंट है। टर्बो टॉयज में इसका प्राइस है यस नो प्राइस का 2.5 लाख रुपए की। ये 2016 सिंगल ओनर सिल्वर VDI प्लस हाइब्रिड हरियाणा 26 गुड़गांव का रजिस्ट्रेशन है, अच्छी गाड़ी है डीजल के अंदर। टर्बो टॉयज में इसका प्राइस है जो आस्किंग प्राइस है 5.5 लाख रुपए का और नेगोशिएबल है। 2015 स्कोडा रैपिड सिंगल ओनरशिप सिल्वर कलर, ब्यूटीफुल कार है, मैकेनिकल्स बहुत अच्छी, वेल मेंटेन कार, ठीक है, पेंट भी बहुत जेन्युइन है इसका, 90% ओरिजिनल पेंट है इस स्कोडा रैपिड का। बहुत डिमांड रहती है स्कोडा का, जो कस्टमर है रैपिड का, जो कस्टमर है वो रैपिड के अलावा कोई गाड़ी लेता ही नहीं है, ये मैंने देखा है। मतलब जो इस टेस्ट के जो कस्टमर्स हैं वो यही गाड़ी खरीदते हैं, मारुति हुंडई होंडा कुछ नहीं खरीदते। इस 2015 स्कोडा रैपिड का प्राइस है 4 लाख रुपए का, बेस्ट प्राइस, जो कि ये पेट्रोल में है, डीजल, अच्छा डीजल में, सॉरी। ये 2016 है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, वाइट है, डीजल है, VDI हाइब्रिड, बहुत अच्छी वेल मेंटेन कार है। इसका भी मतलब 70-80% पेंट ओरिजिनल है। टर्बो टॉयज में इस सियाज का जो प्राइस है यस नो प्राइस 4.5 लाख रुपए का। नई वाली क्रेटा तो सभी जानते हैं, देखो न्यू शेप आ चुकी है, लेकिन ये वाली जो शेप है ना, ये आइकॉनिक शेप है क्रेटा की। क्रेटा को जो नाम खिताब मिला ना, वो इसी शेप से मिला, लोगों ने इतनी पसंद की है जी, बिल्कुल, कि नई शेप बनाने के बाद भी वो भी बिक रही है। बट मुझे तो पाजी ऑनेस्टली स्पीकिंग ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, अच्छी शेप है, क्योंकि ये थोड़ी सी उठी हुई कार लगती है। हाँ। एक कॉम्पैक्ट SUV है जो नई वाली है, थोड़ी कंपनी ने लाइक पीछे से थोड़ा इसको बिठा सा दिया है, मतलब हेडलाइट भी पता नहीं चलती। हाँ, मतलब एक ये ना स्ट्रॉन्ग एक इम्प्रेशन देती है मतलब फ्रंट से। ये कौन सा वेरिएंट है? ये हमारे पास 2016 है, SX है, मतलब मैक्सिमम ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है, ऑल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी, सिर्फ बम्पर्स रीपेंट है इसके, ठीक है, नीट एंड क्लीन कार है, मतलब बहुत बेस्ट कार। मैं भी गाड़ियाँ बहुत खरीदता हूँ बेचता हूँ, पर ये गाड़ी कुछ हटके है, इतनी तारीफें तो इसका मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार है जी। 75,000 किलोमीटर ड्रिवन है जेन्युइनली विद ऑल सर्विस कॉस्ट, मेंटेन इन हुंडई, सिंगल ओनरशिप, टच स्क्रीन पूरी गाड़ी की लगी हुई है और तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये की टच स्क्रीन है, ठीक है, सिंगल ओनरशिप डीजल में, SX है मॉडल, ठीक है, वाइट कलर है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है। इस क्रेटा का जो प्राइस है हमारे पास बेस्ट प्राइस 8.5 लाख रुपए का। माइलेज कितनी देती होगी डीजल क्रेटा? डीजल में जो माइलेज देती है तकरीबन 13-14 की एवरेज निकाल देती है सिटी के अंदर, और हाईवे पे 18+ की एवरेज निकाल देती है। चलिए बहुत बढ़िया। 2015 मॉडल सिंगल ओनरशिप i20 एलीट स्पोर्ट्स मॉडल और वाइट कलर है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है। भैया ये शोर, ये स्पोर्ट्स है, मैगना नहीं है? हाँ जी, ये स्पोर्ट्स है। ओके, ये स्पोर्ट्स है। और टर्बो टॉयज में इसका जो प्राइस है बेस्ट प्राइस आपके लिए 4,25,000 का, और थोड़ा बहुत नेगोशिएट हम आपसे इस गाड़ी में कर लेंगे जी। हाँ जी, ये नया प्रोडक्ट है, कितना ऊंचा मॉडल है? हाँ जी, ये 2020 मॉडल है, सिंगल ओनरशिप है, स्विफ्ट LXi ग्रे कलर है, ऑल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी, और बम्पर्स थोड़े बहुत टचअप हमने कराए हैं जी। ओके, सिर्फ 7,000 किलोमीटर ड्रिवन है, 7,000 जेन्युइन ना? जेन्युइन विद ऑल सर्विस रिकॉर्ड। टायर्स भी इसके अभी तक उसके जो रबर्स के हैं, मतलब अभी तक कुछ हिले भी नहीं है, कलर भी वैसी का वैसी ही है, ठीक कह रहे हैं, स्टपनी भी ऐसी की ऐसी, 7,000 चलिए सिर्फ। और टर्बो टॉयज में इसका प्राइस है 5.5 लाख रुपए का, बेस्ट प्राइस। 2015 मॉडल VXi सिंगल ओनरशिप, मतलब 2-3 पीस, मतलब इसमें 10-15% जो गाड़ी पेंट हो सकती है वो है, बस वो है, VXi है, और ये इससे पहले वाली जनरेशन है 2015। टर्बो टॉयज में इसका प्राइस है बेस्ट प्राइस 4 लाख रुपए का। i10 दोबारा आ गई, देखो दो दो। हाँ जी, ये 2011 मॉडल सिंगल ओनरशिप i10 मैग्ना वाइट कलर में, और करीबन 55,000 के आसपास चली हुई है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, टर्बो टॉयज में वाइट कलर है, पेट्रोल है, और इसका जो है बेस्ट प्राइस यस नो प्राइस 2 लाख रुपए का।
ये 2013 और सबसे बेस्ट पार्ट है ये कंपनी सीएनजी है। अच्छा, कंपनी सीएनजी यानी हुंडई फिटेड सीएनजी, सिंगल ऑनर बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल पेंट की कार है ये। सिंगल ओनरशिप 40,000 के आसपास चली हुई है, 45,000 के आसपास। ग्रे कलर है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, कंपनी ग्रीन सीएनजी। और टर्बो टॉयज में इसका जो हमारा आस्किंग प्राइस है 3.25 लाख रुपए का, और आप आएंगे जो बेस्ट रिगार्ड कर लेंगे। सीएनजी बता दूं अभी भी 50 से 55 हज़ार की लग रही है। हाँ। तो ये कंपनी फिटेड है तो बहुत वैल्यू है इसकी। 2015 है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन और पेट्रोल, इसका ओनरशिप सेकेंड है, उसकी वजह से ये गाड़ी आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएगी। ये गाड़ी आपको मिल जाएगी 4.25 लाख रुपए की, i20 2015 मॉडल। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, i20 2013 मॉडल, सिंगल ओनरशिप, वाइट कलर, मैग्ना, सिर्फ गाड़ी 55,000 चली हुई है, मैक्सिमम ओरिजिनल पेंट है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, और टर्बो टॉयज में इस i20 जो एलीट से पहले वाली शेप है, मतलब ये आपको गाड़ी बेस्ट प्राइस 3.25 लाख रुपए की आपको गाड़ी मिल जाएगी। 2015 मॉडल, सिंगल ऑनर, पेट्रोल, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन, मैरून कार है, टर्बो टॉयज में इस i10 ग्रैंड का प्राइस है जी 3.5 लाख रुपए का। हुंडई ईयोन सेकंड ओनरशिप है, सिल्वर कलर है, एरा प्लस है, बहुत मैकेनिकल अच्छी कार है, और टर्बो टॉयज में ये गाड़ी आपको 1,75,000 की मिल जाएगी। आप 14 मॉडल, सिंगल ओनरशिप, पेट्रोल में न्यू शेप है और दिल्ली का स्टेशन है, अच्छी वेल मेंटेन कार है, ये भी मैकेनिकल अच्छी कार है, टर्बो टॉयज में इसका जो प्राइस है 5.25 लाख रुपए की आपको यस्नो गाड़ी ये मिल जाएगी आपको। ये रिट्स है 2011 मॉडल और एलेक्सा ही है, फ्रंट पावर विंडोज है, दिल्ली का स्टेशन है, पेट्रोल है, वेल मेंटेन कार है, 59,000 चली है ओरिजिनल सर्विस रिकॉर्ड के साथ, और इस रिट्स का प्राइस है यस्नो प्राइस 2 लाख रुपए का। कंफर्म है ना? बिल्कुल कंफर्म, 2 लाख रुपए की कार, वो भी ऐसी मेरे यार। 2011 ये 2009 i10 है, वाइट कलर, दिल्ली कलेक्शन, पेट्रोल, टर्बो टॉयज में ये आपको यस्नो प्राइस में 1,35,000 की गाड़ी आपको मिल जाएगी। अब 2009 एक तो 1.5 लाख रुपए की थी, देखिए वो सिंगल ओनर थी। हाँ। उसका ऑल ओरिजिनल पेंट था। अच्छा, क्वालिटी उसकी बहुत हाईएस्ट थी। हाँ। ये ओनरशिप सेकेंड है तो हर चीज़ का देखिए प्राइस का फर्क पड़ जाता है, ओनरशिप से फर्क पड़ जाएगा, ओनरशिप से थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, माइलेज से भी फर्क, थोड़ा माइलेज से फर्क पड़ जाएगा, ओरिजिनल पेंट, सारे फैक्टर्स आते हैं गाड़ी के प्राइस को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, ये 2011 स्विफ्ट VXI सिंगल ओनर, ये न्यू शेप है, 11 के अंदर दिसंबर की गाड़ी है ये। okay. इस पर लिखा भी हुआ है स्टीकर पे दिसंबर, 22 दिसंबर, और 50,000 चली हुई है विद ऑल सर्विस रिकॉर्ड, वाइट कलर है, पेट्रोल है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है। ये गाड़ी आपको टर्बो टॉयज में 2,95,000 की गाड़ी मिल जाएगी, और नेगोशिएबल है, आप आइए डिस्कस करेंगे टेबल पे, एडवांस आप अगर करने लगेंगे तो बेस्ट प्राइस आपको देंगे हम। इसके जो है साइड मिरर्स थे जो थोड़े ब्रेक थे, तो हमने कंपनी से इसके न्यू हमने मंगवाए हैं। अच्छा, तो ऑर्डर ये ऑर्डर पे मंगाए हैं, तो ये अभी न्यू इंस्टॉल हो जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी कस्टमर को कोई काम ना कराना पड़े। ओके, तो उसके लिए हम पूरी अच्छी गाड़ी, अब देखिए ये कंडीशन में है पर फिर भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि वी आर लाइक कॉन्फिडेंट कि आपको हम लगा के देंगे और बेस्ट ऑप्शन में आपको कार ये मिलेगी आपको, मतलब बेस्ट उसमें। ओके, ये 2011 फ्लूडिक है, सिंगल ओनर है और वाइट कलर है, सबसे बेस्ट पार्ट है सीएनजी ऑन पेपर्स है। अरे भैया ये हुई ना बात, फ्लूडिक भी अब आया मजा इस गाड़ी को देख के। बहुत ब्यूटीफुल कार है और दिल्ली का स्टेशन है, सीएनजी ऑन पेपर्स, टर्बो टॉयज में इस वरना फ्लूडिक का प्राइस है 2011 का 3.5 लाख रुपए का आस्किंग प्राइस, और जो बेस्ट रिगार्ड होगा नेगोशिएट कर लेंगे। हाँ जी, तो अब हम आ चुके हैं टर्बो टॉयज के ऑफिस में, जैसे कि आप देख ही सकते हैं इनके टाइटल में भी लिखा हुआ है यूज्ड कार एक्सपर्ट, लोग लिखते हैं कार डीलरशिप, इन्होंने लिखा है यूज्ड कार एक्सपर्ट, तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो डील है, इनका जो तरीका है गाड़ियाँ बेचने का, वो डीलर से बहुत अलग है। बात करते हैं 7 सीटर कार्स की, जो मैंने आपको बताया कि होनी चाहिए अपाची के स्टॉक में, तो 3 गाड़ियाँ भी दिखा रहे हैं, बाकी कैटलॉग में चेक कर लेना जैसे ऐसे आती रहती हैं। अर्टिगा, ये अर्टिगा है 2013 मॉडल, सिंगल ओनरशिप है, वाइट कलर में है, 7 सीटर VDI, ओके, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, और सबसे बेस्ट पार्ट, आप हैरान हो जाएंगे, मैं भी हैरान हो गया था इसको लेते हुए, क्या ये जो अर्टिगा है सिर्फ और सिर्फ 32,000 चली है। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, 32,000 चली है जेन्युइन, मीटर की गारंटी दोगे? मैं लिख के दूंगा। चलिए, ओरिजिनल है ये कार विद मीटर। अब गाड़ी की कंडीशन आप देख पा रहे हो पाजी, किस प्राइस में डिलीवर कर सकते हैं आप? देखिए इसका जो प्राइस है 7 सीटर 2013 अर्टिगा VDI का टर्बो टॉयज में 4.5 लाख रुपए का।
दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे। ठीक है पाजी, दोनों में फ़र्क क्या है वैसे? देखिए ये दो XUV 500 है, दोनों जंबो ब्रदर्स, जंबो भाई। ये है न्यू शेप, ओके, 2015 मॉडल। ये है उससे पहले वाली शेप, ओल्ड शेप, 2013 मॉडल। तो 13 मॉडल की बात करते हैं पहले। देखिए ये 2013 मॉडल है, सिंगल ओनरशिप है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है और W8 है, ओके, और बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल प्रिंट की गाड़ी है, स्टेपनी भी यूज़ नहीं हुई। ये सिर्फ और सिर्फ 38,000 किलोमीटर चली है। ठीक है, 38,000 किलोमीटर की XUV 500 गारंटी, मीटर की? पूरी मीटर की गारंटी। और क्या प्राइस में देंगे इसका? जो प्राइस है 5.25 लाख रुपये का, ये गाड़ी XUV 500 W8 2013 आपको मिल जाएगी। 5,25,000। एक प्राइस बोलूँ आपको उसमें दे दोगे? आप बोलिए, आप तो कभी बना किया है? 5 लाख में दे दोगे? बिल्कुल, पंजे में आपको गाड़ी मिल जाएगी। ये बात हुई ना, ये कहते हैं कॉन्फिडेंट। 5 लाख की फाइनल में दे दो, फाइनल कर दो। तो पूरे हिंदुस्तान में ये गाड़ी ढूंढ के दिखा देना क्वालिटी की, मैं गारंटी दे। देखो मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, हो सकता है 2013 मॉडल आपको मार्केट में 4 या 4.5 की भी मिल जाएगी, मैं आपको अभी बता देता हूँ आपको। लेकिन देखो मीटर की गारंटी, क्वालिटी गारंटी हर कोई नहीं दे सकता, यहाँ पे मिलती है क्वालिटी भी गारंटी भाई। गाड़ी ऐसे संभालते हैं जैसे अपने बच्चों को भी संभाल रहा हो, और जिस डीलर ने ऐसे अपनी गाड़ियों को संभाल के रखा हो ना जैसे बच्चे संभालते हैं, समझ लो उसकी गाड़ी में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये भाजी 2015 न्यू शेप, सिंगल ओनरशिप, HR 51, फरीदाबाद का रजिस्ट्रेशन, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल है, 2015 मॉडल है, W8 है, न्यू शेप, मैं बार बार कहूँगा न्यू शेप, ठीक है जी, न्यू जनरेशन शेप, W8, हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नंबर। फैंसी नंबर है इसमें? फैंसी नंबर है पाजी, मैंने देख लिया, फैंसी नंबर है और सिल्वर कलर है, बहुत ब्यूटीफुल कार है। मतलब आप इसकी क्वालिटी भी देखेंगे तो आप मतलब हैट्स ऑफ करेंगे यार, क्या क्वालिटी है कार की। एक चीज़ बताऊँ वैसे मैं आपको पाजी, क्या ये 5 लाख की दे दो, कैसा लगा मेरा मजाक? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, चलिए बताइए। इसका जो प्राइस है XUV 500 का 7.5 लाख रुपए का, नेगोशिएबल? नेगोशिएबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप जो पैसे दे रहे हैं एक एक पैसा आपका वर्थ इन्वेस्ट हो रहा है, आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करिए, मतलब गाड़ी का एक एक पैसा आपका जो है वर्थ है। अब जो आपने स्पेंड किया, अब एक चीज़ आप यहाँ पे क्लियर कर दीजिए, जैसे ये 13 मॉडल है, कितने साल के लिए फाइनेंस हो सकती है? देखिए ये फाइनेंस नहीं हो पाएगी। अच्छा, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि डीजल जो गाड़ी है दिल्ली में, मैंने आपको लास्ट आपकी वीडियोस में भी अपडेट किया था कि 10 साल से ऊपर नहीं चल सकती और उसके ऊपर कोई लोन नहीं होता। विद इन 10 ईयर्स के जो पीरियड में कार्स होती हैं उनके ऊपर लोन होता है। डीजल में कम से कम 2014 मॉडल हो उसके लिए भी 2 साल का लोन बस हो सकता है। अच्छा, और 15 पे हो जाएगा? 15 पे आराम से हो जाएगा, 3 साल का लोन भी हो जाएगा इसके ऊपर। ओके, और आप आराम से लोन इसका अवेल कर सकते हैं, और दिल्ली और NCR के लिए ही लोन अवेलेबल है, पैन इंडिया नहीं है। पैन इंडिया अभी नहीं है, हम आपको कोई अभी नहीं इसके लिए गारंटी दे सकते हैं कि पैन इंडिया में है। जब भी कोविड के प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट से खुलेंगे तो आपको हम आपकी वीडियो के जरिए एकदम बता देंगे। और शिपिंग का क्या रहता है, ट्रांसपोर्टेशन का? जी, ऑल इंडिया हमारी डोर स्टेप डिलीवरी है, हर स्टेट, कश्मीर टू कन्याकुमारी तक हमारी गाड़ी डिलीवर होती है। अब ये तो रही आज इस वीडियो में गाड़ियों की बात, बट इसके अलावा भी पाजी के पास बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं जो आप इनकी कैटलॉग में देख सकते हैं जी, क्योंकि हम तो महीने में एक ही बार वीडियो बना पाते हैं, लेकिन इनके हम पास तो कहते हैं आप हर हफ्ते वीडियो बनाइए और टाइम आपको निकालना है। पाजी दरअसल क्या होता है ना, जब कोई चीज़ टाइम बाद आती है ना तो उसकी कदर होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब कोई भी चीज़ रोज आती है ना मतलब हो नहीं पाती, एक होता है ना इंतज़ार का मज़ा ही अलग है पाजी, आपका लोग इंतज़ार करते हैं उस चीज़ का मज़ा ही अलग है। आपकी एडवाइजरी बहुत अच्छी है, तो भाई मैं आपको अभी इस वीडियो में हिंट देता हूँ, बहुत ही जल्द 2-3 दिन बाद ही हम लोग या 1 हफ्ते बाद एक एपिसोड पाजी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भाई एक गाड़ी को ख़रीदने से पहले आप किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हम खड़े हुए हैं टर्बो टॉयज़ पे, और इसे नहीं कहते हैं डीलरशिप मेरे यार, क्योंकि ये है यूज्ड कार एक्सपर्ट मेरे यार।